नमस्कार, इंडियन न्यूज एंटरटेनमेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिंसी शर्मा। साउथ के मशहूर एक्टर धनुष इन दिनों अपनी फिल्म वाथी को लेकर चर्चाओं में है, जो 17 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। वहीं अब एक्टर ने चेन्नई में एक आलीशान घर खरीदा है, जिसकी वजह से भी वो सुर्खियों में आए हैं। चेन्नई के पोएस गार्डन में बने इस घर को उन्होंने अपने माता पिता के तोहफे में दिया है और सभी इसमें शिफ्ट हो गए हैं। निर्देशक सुब्रमण्यम शिवा ने धनुष के नए घर के बारे में जानकारी दी और एक्टर के माता पिता के साथ नए आलिशान घर की कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं। तस्वीरें शेयर करते हुए सुब्रमण्यम शिवा ने कहा, मेरे छोटे भाई धनुष का नया घर मुझे मंदिर जैसा एहसास दिलाता है। अपने जीवन काल में उन्होंने अपने माता पिता को स्वर्ग जैसा घर प्रदान किया है। और भी सफलता और उपलब्धियों आपको मिले और माता पिता के सम्मान में युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनी रहे। सोशल मीडिया पर धनुष के इस घर की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में धनुष अपने माता पिता के साथ हैं और बेहद खुश नजर आ रहे हैं। ब्लू कलर के कुर्ते और लंबे बाल दाढ़ी में अभिनेता का यह लुक काफी बढ़िया लग रहा है। फैंस उन्हें नए घर के लिए बधाई दे रहे हैं। खबरों की माने तो इस आलिशान घर की कीमत 150 करोड़ की है। वर्क फ्रंट की बात करें तो धनुष कैप्टन मिलर के लिए अरुण माथेश्वरन के साथ अपनी अगली फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। फिल्म में धनुष, प्रियंका, अरुल, मोहन और शिव राजकुमार लीड रोल में हैं। धनुष ने निर्देशक शेखर कमूला के साथ अपनी अगली फिल्म भी साइन की है, जिसकी शूटिंग पिछले साल शुरू हुई थी। इसके अलावा वह जल्दी अपने अगले निर्देशन के लिए काम शुरू करेंगे, जिससे फिलहाल D50 कहा जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।